हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉवर सिंह पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है और आप सभी के काम की है, वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 10,000 पदों पर जो भर्ती का रास्ता है वो साफ हो गया है। UPSC की तरफ से भर्ती आने वाली है, जिसमें आपकी LT शामिल है, RO शामिल है। इसके बारे में भी न्यूज है, उसको देखेंगे हम लोग। लेखपाल की नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, इसके लिए भी जो है अपडेट दी गई है उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ UPP कांस्टेबल भर्ती की उम्र सीमा में छूट की की गई है, उस पर भी अपडेट है। और सबसे बड़ी अपडेट है कि शिक्षक भर्ती पर सीएम योगी जी का बयान आया है कि 6 साल में 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती की गई है। फिलहाल इन सभी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए एक एक करके सारी अपडेट को देख लेते हैं। यहां पर लिखा है कि 6 साल में 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले शिक्षकों की भारी कमी थी। मुझे आश्चर्य होता है कि कुछ लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि 5 वर्ष से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। पिछले 6 साल में 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद से हुई है। जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जहां अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होती है, वहां पर निरंतर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी के लिए प्रदेश में एक शिक्षा आयोग बनाने की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द हम इसका गठन करने जा रहे हैं, योगी ने कहा कि DBT के माध्यम से। तो ये तो फिलहाल हो गई DBT वगैरह की, लेकिन मेन अपडेट जो यहाँ पर बात की गई वो यही कहा है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर जो इन्होंने कही वो यही कहा है कि मुझे आश्चर्य होता है कि कुछ लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि 5 साल से शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है। तो ये तो बिल्कुल सही, योगी जी इसमें गलत ही क्या है। 5 साल तो हो ही गया, 2018 में वैकेंसी आई थी, 2023 चल रहा है, 5 साल हो गया है और अभी तक जो है वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। इन्होंने कहा है कि 6 साल में 1,64,000 पदों पर जो है हमने शिक्षकों की भर्ती की है। तो ये जो भर्तियां हुई थी उसमें एक भर्ती 68,500 थी, ये वैकेंसी भी 2018 के पहले आई थी। 69,000 जो वैकेंसी थी ये भी 2018 में ही आई थी, यानी उसके बाद से वैकेंसी नहीं आई है। आपने इतनी सारी वैकेंसी दे दी, हम मानते हैं कि चलो ठीक है आपने इतनी वैकेंसी करवाई थी, ठीक है। इसमें से अगर हम बात करते हैं तो ये जो 68,500 की वैकेंसी थी, ये वैकेंसी आप सबसे पहले आई थी, उसके बाद 69,000 आई थी शिक्षा मित्रों के लिए आई थी, थोड़ा सा ये थोड़ा जो इधर उधर डिस्टर्बेंस हुई थी उसके लिए इस भर्ती को लाया गया था, लेकिन उसके बाद से कोई भर्ती नहीं आई है। और अभी भी जो योगी जी हैं, अभी ये नहीं कहा है कि हम भर्ती आगे करने वाले हैं कि नहीं करने वाले, ये कह रहे हैं कि हाँ जैसे जैसे पद खाली होते हैं हम निरंतर प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल 5 साल में तो कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं हुई कि जो पद खाली हुए उसको भरे जाएं, ठीक है। तकरीबन आज की डेट में भी 1.5 लाख पद जो है प्राथमिक में खाली है। तो फिलहाल ये सारी चीजें हैं, बस गोल गोल घुमाया जा रहा है जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे बीएड के हों चाहे डीएलएड के हों। बाकी देखते हैं कि कब इनका जो है शिक्षा आयोग गठन होता है और कब जो है यहां पर हम लोगों को नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलती है। तो फिलहाल जैसे ही मुझे अपडेट मिलेगी मैं आपको चैनल के माध्यम से जरूर सूचित करूंगा। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगली जो अपडेट है वो UPSC से अपडेट आई है और कहीं ना कहीं सालों का जो विवाद था UPSC की तरफ से अहर्ता को लेकर के, वो जो विवाद है अब खत्म हो गया है। 2021 से रुकी 10,000 भर्तियों का रास्ता साफ है, शासन ने जारी किया आदेश। यहां पर लिखा है कि यूपी सरकार ने स्नातक स्तर की होने वाली भर्तियों के लिए समकक्षता तय कर दी है। केंद्रीय व राज्य द्वारा स्थापित या डीम्ड विश्वविद्यालय से स्नातक, व्यावसायिक निकायों, संस्थानों के तकनीकी पाठ्यक्रमों के स्नातक कोर्सों को स्नातक स्तर का माना जाएगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा स्नातक स्तर के कोर्स भी इसके बराबर होंगे। इस फैसले के बाद विभिन्न आयोगों में फंसी हुई 10,000 से अधिक रिक्तियों को भरने का रास्ता साफ हो गया। और ये 10,000 पद कौन कौन से, मैं आपको बता दूं, इसमें आपको सबसे पहले तो RO देखने को मिलेगा जो कि बहुत फंसी हुई भर्ती है, और दूसरी आपको LT ग्रेड शिक्षक भर्ती और भी अन्य भर्ती जो इसमें दी जाएंगी जो अर्हता के कारण फंसी हुई थी। यहाँ पर देखिए आज की अपडेट में भी लिखा है कि स्नातक की समकक्ष अर्हता का विवाद दूर हो गया है। अपर मुख्य सचिव ने जारी किया पत्र, ARO सहित कई नई भर्तियों का रास्ता जो है यहाँ पर साफ हो गया, ठीक है। तो ये आप इनको देख सकते हैं, इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में स्नातक की समकक्ष अर्हता का विवाद दूर हो गया है, इसे लेकर शासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। ऐसे में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी सहित कई नई भर्तियाँ शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 सितंबर 2021 को आदेश जारी किया था कि भर्ती संस्थाएँ पद विज्ञापित करने से पूर्व समकक्ष का निर्धारण कराते हुए विज्ञापन में उसका स्पष्ट उल्लेख सुनिश्चित करें। तो ये आप देख सकते हैं बहुत सारी यहां पर जो भर्तियां हैं जो अर्हता विवाद के कारण फंसी हुई थी, अब उनका रास्ता साफ हो गया है। और अब अगर कोई भर्ती आएगी तो उम्मीद है कि अब ये भर्तियां कोर्ट में नहीं जाएंगी, नहीं तो यही होता था कि जैसे इनका विज्ञापन आता था तुरंत भर्ती जो है कोर्ट में चली जाती है सिर्फ और सिर्फ अर्हता को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं, वहीं पर हम बात करते हैं लेखपाल के 4,500 पदों पर होगी भर्ती। आपको हम बता दें पहले जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था अभी वो भर्ती चल रही है, अभी वो भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है और नई भर्ती के बारे में भी यहां पर सूचना निकल कर आ गई है। लेखपाल के लगभग 4,500 पदों पर भर्ती होगी। राजस्व परिषद इन पदों पर भर्ती कराने के लिए तैयारी कर रहा है। इस संबंध में परिषद की ओर से जल्द ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। प्रदेश में लेखपाल के 30,827 पद सृजित हैं, इनमें से 18,288 पद भरे हैं जबकि 12,599
पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों में से 8085 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पिछले वर्ष जुलाई में परीक्षा कराई थी, लेकिन इसका परिणाम अब तक घोषित नहीं किया गया है। शेष लगभग 4500 पदों पर चयन के लिए आयोग को फिर से भर्ती प्रस्ताव भेजने के लिए कवायद जारी है। राजस्व प्रसाद ने सभी मंडलों से लेखपाल के 30 जून 2023 तक के रिक्त पदों का विवरण मांगा है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर जो परिषद है उसने जो है पदों का विवरण मांग लिया कि 30 जून 2023 तक कितने पद आपके खाली हैं। ठीक है, आगरा को छोड़ बाकी मंडलों से रिक्तियों का विवरण परिषद को भेजा भी जा चुका है। भर्ती के लिए परिषद की ओर से आयोग को प्रस्ताव भेजने में विलंब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आयोग भर्ती के लिए पिछले वर्ष 31 जुलाई को आयोजित की गई परीक्षा का अब तक अंतिम चयन परिणाम घोषित नहीं किया गया है। तो ये आप लोगों को बता दें, और एक तरीके की खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को यहाँ पर 4,500 पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी, और लेट इसीलिए हो रहा है क्योंकि पिछली भर्ती अभी फाइनल नहीं हुई है। ये चीज यहां पर साफ साफ बता दिया गया है। तो जैसे ही पिछली भर्ती का रिजल्ट आता है आपको तुरंत इस भर्ती का भी जो विज्ञापन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों ने यूपी ट्रिपलसी की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल आपका सपना है, तो आप लोग मेहनत करते रहिए, आपको ये भर्ती भी देखने को जल्द से जल्द मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगली जो अपडेट है आप देख सकते हैं, सिपाही भर्ती में उम्र सीमा में मिले छूट। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती भी एकदम शिक्षक भर्ती की तरह 4 से 5 साल बाद ही आ रही है, और इसी बीच बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो एक भी भर्ती नहीं देख पाए हैं और ओवर एज हो चुके हैं, क्योंकि इसमें जनरल की जो एज काउंट की जाती है वो 18 साल से 22 साल ही काउंट की जाती है। तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस की एक भी भर्ती नहीं देखे हैं और ओवर एज हो चुके हैं, तो ऐसे में मांग की जा रही है कि उम्र सीमा में जो है छूट दिया जाए। लिखा है, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरक्षी भर्ती छात्रों को उम्र सीमा में छूट दिए जाने की मांग की है। लिखे हैं पत्र में कि सिपाही भर्ती 2018 के बाद नहीं हुई है, ऐसे में इन लाखों बेरोजगार प्रतियोगी छात्रों के हितों को देखते हुए आयु सीमा की गणना 2018 से किया जाए या फिर 5 वर्ष की छूट दी जाए। तो यहां पर देखा गया, अब देखना यह होगा कि क्या इन छात्रों को छूट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर मिल जाएगी तो बहुत सारे छात्रों को इसमें फायदा हो जाएगा, वो सभी छात्र इस भर्ती में बैठ पाएंगे और कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में जाने का उनका भी सपना है वो भी साकार हो सकता है। अब देखना ये होगा कि सबसे पहले तो यही जरूरी है कि इसका विज्ञापन कब आ रहा है। तो विज्ञापन आपको मैं बता दूं, इसका जो विज्ञापन है वो आपको अगस्त के महीने में देखने को मिल सकता है, अगर सब कुछ सही रहा तो। और हो सकता है कि आप लोगों को अगर मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो उम्र सीमा में छूट दे सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जो 49,000 पदों पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई थी उसमें उम्र सीमा की छूट 1 साल की दे दी गई थी। ठीक है, क्योंकि ये बताया गया था कि वहां पर 1 साल बाद भर्ती आई है, 1 साल भर्ती नहीं आई थी, तो इसलिए जो छात्र ओवर एज हुए हैं उनको भी मौका इसमें मिल जाएगा। अब देखना ये होगा कि इसमें उम्र सीमा में छूट मिलती है कि नहीं मिलती है, वो तो अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही पता लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।